ऑल राइट गाइस, सो अगर आपके पास एक ESP32 नोडेम से बोर्ड है और आप उस पर कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो लाइक वाईफाई रिलेटेड इशू एंड कोड अपलोड करने के बाद कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है या फिर अदर इश्यूज भी आप फेस कर सकते हो। सो अगर ऐसा है तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ESP32 बोर्ड को डिफॉल्ट फैक्ट्री रिसेट एंड फ्लैश मेमोरी को इरेज करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा, जिससे आप अपना बोर्ड को इजीली डिफॉल्ट फैक्ट्री रिसेट करके अगेन आप उस बोर्ड को अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर पाओगे। सो मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ AI Thinker ESP32 NodeMCU डॉक्यूमेंटेशन पेज पे। यहाँ पे आपको पिन डायग्राम, स्केमेटिक डायग्राम्स वगैरह देखने को मिलेगा, बट हमें यहाँ से डिफॉल्ट फैक्ट्री फर्मवेयर को डाउनलोड करना है। सो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, यहाँ से आप फर्मवेयर जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। सो मैंने ऑलरेडी फर्मवेयर जिप फाइल को डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद आपको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्टरी के अंदर आपको फर्मवेयर बिन फाइल मिल जाएगा। सो हमें अभी इस बिन फाइल को ESP32 बोर्ड पे फ्लैश करना होगा एंड फ्लैश करने के लिए हमें चाहिए होगा ESP32 डाउनलोड टूल एंड डाउनलोड टूल को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बट हम इस टूल को यूज़ नहीं करेंगे। इसका ऑल्टरनेट हम ऑनलाइन ESP फ्लैश टूल को यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ESP फ्लैश टूल को यूज़ करना कंपेरेटिवली ईजी है। सो गूगल पे सर्च करो ऑनलाइन ESP टूल एंड फर्स्ट रिजल्ट पे आपको ऑनलाइन ESP टूल मिल जाएगा। इस पे आपको एक क्लीन एंड सिंपल यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। सो ESP टूल पे आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉड रेट चेंज करना होगा। सो बॉड रेट सेट करना है 115200 एंड उसके बाद अगर आपका ESP32 बोर्ड PC के साथ कनेक्टेड नहीं है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड को PC के साथ कनेक्ट कर लेना होगा एंड उसके बाद ESP टूल के साथ ESP32 बोर्ड का कनेक्शन स्टैब्लिश करवाना है। तो उसके लिए आपको कनेक्ट बटन पर क्लिक करना है एंड कॉम पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद ESP32 बोर्ड पर जो बूट बटन है उसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। सो बूट बटन को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करने से ESP टूल ऑटोमेटिकली आपका जो बोर्ड है उसको डिटेक्ट कर लेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड डिटेक्ट हो चुका है। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इरेज करना होगा फ्लैश मेमोरी को। सो उसके लिए सिंपली आप इरेज फ्लैश पे क्लिक कर सकते हो। सो ये कुछ सेकंड्स में फ्लैश मेमोरी को इरेज कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो चिप इरेज कंप्लीट सक्सेसफुली। सो 12 सेकंड का टाइम लिया है। सो फ्लैश इरेज हो चुका है। अभी हमें फैक्ट्री डिफॉल्ट फॉर्मवेयर को फ्लैश करना होगा। उससे पहले आपको फ्लैश एड्रेस चेंज करना होगा। सो फ्लैश एड्रेस रखना है 0x0000 एंड उसके बाद फाइल को सिलेक्ट करना होगा। सो विन फॉर्मवेयर फाइल को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद सिंपली आप प्रोग्राम पे क्लिक करके फॉर्मवेयर बिन फाइल को फ्लैश कर सकते हो एंड आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है एंड प्रोग्रेस परसेंटेज भी आप चेक कर सकते हो। एंड सक्सेसफुली डिफॉल्ट फॉर्मवेयर फ्लैश कंप्लीट हो चुका है एंड सिंपली आप यहाँ से डिस्कनेक्ट बटन पे क्लिक करके बोर्ड को ESP टूल से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। सो बोर्ड सक्सेसफुली फैक्ट्री डिफॉल्ट रिसेट हो चुका है एंड अभी एक प्रोग्राम को अपलोड करके टेस्ट करके देखते हैं। सो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं फॉइट लूप फंक्शन के अंदर हेलो फ्रॉम ESP सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा रहा हूँ। सो अभी पोर्ट एंड बोर्ड को सिलेक्ट करके कोड को अपलोड कर देते हैं। सो बोर्ड मैंने सिलेक्ट कर रखा है ESP32 डेव मॉड्यूल। सो कोड को अपलोड कर देते हैं एंड उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट। सो कोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है एंड चलते हैं सीरियल मॉनिटर पे एंड देखते हैं हमारा डिजायर आउटपुट आ रहा है कि नहीं। सो सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो हमने जो प्रिंट कराया था हेलो फ्रॉम ESP32 वो हमें सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। सो कुछ इसी तरीके से अगर आपका ESP32 बोर्ड के साथ कोई इशू आप फेस करते हो तो आप अपना ESP32 बोर्ड को रीसेट करवा सकते हो, फैक्ट्री डिफॉल्ट रीसेट करवा सकते हो एंड प्रोजेक्ट के लिए अगेन उस बोर्ड को आप यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और अगर आप कोई भी एरर फेस करते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।